सुल्तानपुर के अमहट में सोमवार के दिन सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे, जहां वो प्रत्याशियों के सपोर्ट में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमेठी में 80 साल से ज्यादा आयु के मतदाता और दिव्यांग मतदाताओं के लिए जिला प्रशासन ने योजना बनाई है। आपको बता दें कि वो डाक मतपत्र के जरिए मतदान करेंगे। अमेठी के कलेक्ट्रेट सभागार में मतदान कर्मियों को डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग की ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजकुमार द्विवेदी भी मौजूद रहे। अमेठी में जगदीशपुर विकास खंड के उत्तर गांव शुकुल बाजार में अभिनंदन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया और सभी को मतदान की शपथ दिलाई। अमेठी में एम्बुलेंस के अंदर ही एक महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इस दौरान आशा बहु और ANM की खास भूमिका रही। अमेठी में पुलिस टीम ने फुर्सतगंज और जायज थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। अमेठी में जगदीशपुर क्षेत्र के सेठ जयपुरिया स्कूल के छात्रों ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली, जिसमें छात्रों ने सभी से मतदान करने की अपील की। अमेठी के जगदीशपुर में रायबरेली सड़क पर लगा सांकेतिक बोर्ड टूटा हुआ दिखाई दिया, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बढ़ गई है। अमेठी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनता को संबोधित किया, साथ ही जगदीशपुर विधानसभा सीट से BJP प्रत्याशी सुरेश पासी के लिए वोट करने की अपील भी की। अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा के चुनाव पर्यवेक्षक प्रशांत कुमार पांडा और जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार मिश्र ने वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। अयोध्या में रुदौली के सूफियाना मैदान में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता से सपा के लिए वोट करने की अपील भी की। बहराइच में गाजी मियां की दरगाह पर उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ देखने को मिली। बहराइच में TV रियलिटी शो सिटी ऑडिशन का ऑडिशन हुआ, जिसमें सभी कलाकारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लखीमपुर खीरी के राजेंद्र गिरी स्टेडियम से CM योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र वाले मित्र ने प्रदेश की जनता का पैसा हड़प लिया। हरदोई के CSN महाविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनता को BJP की खूबियां भी गिनाई। जालौन में एक नवविवाहित दंपत्ति सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे, इस दौरान उन्हें देखने वालों का तांता लग गया। जालौन के उरई विधानसभा में BJP प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह वोट डालने पहुंचे, इस दौरान उनके परिवार वाले भी मौजूद रहे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।